हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर काली मिर्च की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये पनीर खाने में बहुत जल्दी बनता है और बहुत कम मसालों की इसमें ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले एक छोटे चम्मच भर के देसी घी में एक मीडियम प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भून लिया था, और जैसे ही सुनहरा भूरा होगा इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देना है और इसको पेस्ट बना लेना है। याद रखिएगा, पेस्ट बनाते समय इसमें पानी नहीं डालना है बहुत ज़्यादा, और उसको अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिएगा पेस्ट बनाने से पहले। सेम उसी कढ़ाई में जिसमें प्याज भुना था, एक टेबलस्पून मैंने देसी घी का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो तेल में भी इसको बना सकते हैं। उसको मध्यम आंच पे गर्म होने दिया, याद रखिएगा आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। फिर उसमें साबुत मसाले डाले, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच धनिया, उनको चटकने दिया। जब वो चटक गए तो उसमें 1 टेबलस्पून ताज़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और उसको तब तक भूना जब तक कि उसमें से अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो गई। जैसे ही वो खुशबू आनी शुरू हो गई, उसमें प्याज जो हमने पीस के रखा था वो डाल दिया, थोड़ी देर इसको पकाया। उसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट डालना है। काजू का पेस्ट बनाने के लिए 10 से 12 काजू को गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए और बाद में उसको पीस के पेस्ट बना लीजिए। इसको मिला के थोड़ी देर इसको पकाना है, जब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा घी बाहर आना ना शुरू हो जाए। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। काली मिर्ची इसमें 2 और 3 चरणों में पड़ती हैं। मैंने यहाँ पर इसमें पहले 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, लेकिन अगर आपको बहुत कम मिर्च चाहिए तो आप उससे भी कम काली मिर्च का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैंने दही जो था उसको एक मलमल के कपड़े में छान करके उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, उसको मैंने डाला है। याद रखिएगा, इस रेसिपी में आपने खट्टा दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार जब उसमें से घी या तेल बाहर आना शुरू हो जाए तो उसमें पानी डाल देना है और उतना गाढ़ा रस्सा बनाना है जितना आपको चाहिए। आंच तेज कर दीजिएगा इस मोमेंट पर और उसमें एक अच्छा सा उबाल आने दीजिए। जब उसमें एक बार उबाल आ जाए तो 200 ग्राम पनीर को क्यूब में काट करके इसमें डाल दिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखे मेथी के पत्ते भी डाले हैं। 2 हरी मिर्चें डाली हैं काट के, यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। और अब इसको एक बार फिर से तेज आंच पर उबाल दिया था। याद रखिएगा कि पनीर डालने के बाद आपने सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल करा है। यदि आपको कम घी तेल का इस्तेमाल करना है तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल मत करिएगा। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें एक बार फिर से, और अब गैस को बंद कर दीजिए। इसमें मैंने काफ़ी काली मिर्चें डाली है, लेकिन चूंकि इसमें दही है, कैश्यू नट पेस्ट है, क्रीम है, तो ये मिर्चें जो है सारी बैलेंस हो जाएंगी। थोड़े से कटे हुए हरे धनिए और बस सब्जी जो है खाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म रोटी, पराठा, नान या चावलों के साथ परोसिए। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।